चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्टर चैप्टर के एमसीक्यूज। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यू पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन अ जनरल मीटिंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज। अब बच्चों, ये क्वेश्चन समझने के लिए और इसका आंसर समझने के लिए मैं आपको जल्दी से एक कंसेप्ट समझा देना चाहता हूं। वो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो 2 मिनट के अंदर आपको उसका आंसर भी समझ में आ जाएगा। 2 मिनट की बात है, शांति से आप लोग एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए, एक कंपनी है, उसका नाम है त्रिमूर्ति कंपनी। उस कंपनी के अंदर टोटल 11 डायरेक्टर्स हैं और 11 के 11 डायरेक्टर्स फुल्ली ऑक्यूपाइड हैं। फुल्ली ऑक्यूपाइड का मतलब त्रिमूर्ति कंपनी में 11 डायरेक्टर्स अभी ऑलरेडी हैं और वो 11 के 11 डायरेक्टर्स के पास में इतना सारा काम है कि उनके पास में वक्त ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। बहुत सारा काम है, बिजी है, 11 के 11 डायरेक्टर बिजी हैं। ठीक है साहब। अब हुआ क्या? हुआ ऐसा कि त्रिमूर्ति कंपनी के पास में कुछ एडिशनल काम आया, कोई क्लाइंट था, उस क्लाइंट ने त्रिमूर्ति कंपनी से कांटेक्ट किया, बोला साहब मेरा ये काम है, ये कर दो। अब त्रिमूर्ति कंपनी बोले कि यार ये काम तो डायरेक्टर करता है और मेरी कंपनी के जो टोटल 11 डायरेक्टर्स हैं वो 11 की 11 फुल्ली ऑक्यूपाइड है, 11 की 11 के पास में टाइम नहीं है, तो यार फिर ये काम होगा कैसे? तो त्रिमूर्ति कंपनी ने सोचा कि ये मेरे पास में एक एडिशनल वर्क आया है और क्यों ना मैं इस एडिशनल वर्क के लिए एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लूं। क्यों कर लूं? क्योंकि मेरे पास में एडिशनल वर्क आया है, इसलिए मैं कोई एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लूं, क्योंकि मेरे ऑलरेडी जो डायरेक्टर है एग्जिस्टिंग, उनके पास में समय नहीं है, वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। ठीक है साहब। तो राजपाल यादव जी को पता लगी ये बात, राजपाल यादव जी पहुंचे त्रिमूर्ति कंपनी में, बोले कि साहब मैंने सुना है आपके पास में कोई एडिशनल वर्क आया है और आप एक एडिशनल डायरेक्टर ढूंढ रहे हैं, आप मुझे अपॉइंट कर लीजिए अपनी कंपनी में एज एडिशनल डायरेक्टर। तो त्रिमूर्ति कंपनी बोले कि राजपाल यादव जी, हम बड़े खुश होते आपको अपना एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने में, हमें बहुत खुशी होती, लेकिन दिक्कत यह है कि आपको याद है आप पहले कभी हमारे पास में नॉर्मल डायरेक्टर बनने के लिए आए थे, आप पहले हमारे पास में नॉर्मल डायरेक्टर बनने के लिए आए थे और तब हमने अपनी जनरल मीटिंग के अंदर मेंबर्स से डिस्कशन किया था कि क्या राजपाल यादव जी को हम अपनी कंपनी में नॉर्मल डायरेक्टर अपॉइंट कर ले, ऐसा हुआ था पहले, लेकिन आपके अगेंस्ट में वोट आई थी, लोगों ने मना कर दिया था आपको हमारी कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट करने में। तो आप नॉर्मल डायरेक्टर जब बनने आए थे कंपनी में पहले, आप तब ही रिजेक्ट हो गए थे। और जो इंसान एक बार अगर ओरिजिनल डायरेक्टर, मतलब पहले डायरेक्टर बनने के लिए आया था, वो जनरल मीटिंग में रिजेक्ट हो चुका है, तो फिर वो अब कंपनी का एडिशनल भी नहीं बन सकता। कंपनी बोलती है मतलब आप में कुछ कमी है, तभी तो हमने आपको जनरल मीटिंग में नॉर्मल डायरेक्टर की पोजीशन पे अपॉइंट नहीं किया था, अब हम आपको एडिशनल डायरेक्टर की पोजीशन पे भी अपॉइंट नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि अगर हमने आपको एडिशनल डायरेक्टर की पोजीशन पे अपॉइंट कर लिया ना, तो शेयर होल्डर्स के मन में ना एक शक, एक डाउट आ जाएगा, उन्हें लगेगा कि यार त्रिमूर्ति कंपनी और राजपाल यादव जी का कोई चक्कर है, इनके बीच में कोई कनेक्शन है, त्रिमूर्ति कंपनी कुछ भी करके राजपाल जी को डायरेक्टर बनाना चाहती है। लेकिन जब जनरल मीटिंग में मेंबर्स से पूछा, मेंबर्स ने तो मना कर दिया, इसलिए अब इन्होंने क्या किया है, इसको एडिशनल डायरेक्टर बनाकर ला रहे हैं, क्योंकि एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए मेंबर्स की मीटिंग नहीं करानी पड़ती, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हो जाता है। सेक्शन 161 सब सेक्शन 1। तो बच्चों, क्वेश्चन भी यही बोल रहा है, क्वेश्चन भी यही बोल रहा है।
कि एक पर्सन मतलब राजपाल यादव जो कि फेल हो चुके हैं नॉर्मल डायरेक्टर बनने से जनरल मीटिंग में, अब अगर वो आते हैं तो वो कौन से डायरेक्टर नहीं बन सकते? साहब वो एडिशनल डायरेक्टर नहीं बन सकते। ये यहाँ एग्जाम्पल से भी समझ लिया और एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको दिया हुआ है यहाँ पर बच्चे। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार सभी बच्चे चैट पर जल्दी से लिखकर बता देंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से सभी बच्चे चैट पर लिखकर मुझे बता दें। देखें सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा, एवरी पर्सन प्रपोज्ड टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग और अदरवाइज शैल फर्निश अ डिक्लेरेशन। क्या होता है बच्चों, देखिए जैसे मान लीजिए मैं मोहित बंसल, मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता हूं, किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता हूं, तो ठीक है मैं कंपनी के पास चला जाऊंगा, अपना कैंडिडेचर सीवी दे दूंगा, रेज्यूम दे दूंगा, रेज्यूमी, और बता दूंगा कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, ये मेरा काम किया हुआ है मैंने, इतना क्वालिफाइड आदमी हूँ, इंटरव्यू ले लो, बात कर लो जनरल मीटिंग में, कर लो अपॉइंट अगर चाहो तो। ये ठीक है, कंपनी बोलेगी सब कुछ ठीक है, चलिए सब कुछ ठीक है, हम आपको कंसिडर कर लेंगे, मेंबर से डिस्कस कर लेंगे, आपकी हमने कैंडिडेचर ले लिया, सब हो गया ठीक है। कहीं आप फ्रॉड आदमी निकले तो आपके ऊपर कोई लीगल केस तो नहीं चल रहा भाई, आप कोई वैसे आदमी है, गुंडा टाइप आदमी है, कहीं कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आपके ऊपर कोई केस चल रहे हैं, हम आपको अपनी कंपनी में डायरेक्टर बना लें, बाद में हम ही फंस जाएं, तो वो बंदा बोल रहा है जो डायरेक्टर बनना चाहता है कि सर बिल्कुल सही बात बोली आपने, एक काम करता हूँ सर, मैं एक एफिडेविट लेकर आता हूँ। एफिडेविट का मतलब है शपथ पत्र, इस पर जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर है, ये लीगल एविडेंस हो सकता है। अगर मैं एफिडेविट में मैं आपको ये लिख कर देता हूं कि मैं क्वालिफाइड आदमी हूं, मैं डायरेक्टर की किसी भी सेक्शन 164 के हिसाब से डिस्क्वालिफिकेशन में फॉल नहीं होता, आप मेरे ऊपर कोई लीगल केस नहीं चल रहा, और कानून ने जो जो कंडीशंस मांगी है मैं उन सब पे खरा उतरता हूं, आप मुझे डायरेक्टर बना सकते हैं, मैं आपकी कंपनी में जब डायरेक्टर बन जाऊंगा मैं ये डिक्लेयर करता हूं कि मैं अपने पूरे डेडिकेशन के साथ में कानून को फॉलो करते हुए काम करूंगा। ये डिक्लेरेशन देना पड़ता है। अब जब मैंने एफिडेविट में ये डिक्लेरेशन दिया तब कंपनी बोलेगी अब ठीक है भाई देख, क्योंकि कल को तुमने अगर फ्रॉड किया और गवर्नमेंट हमारे पे पेनल्टी लगाने आई कि तुमने इस बंदे को डायरेक्टर क्यों बनाया, हम बोल देंगे कि सर इसने हमको एफिडेविट लिख के दिया था, हमारी गलती नहीं, तो आप इसको पकड़ो हमें मत पकड़ो। तो बच्चे जब भी कोई पर्सन कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है, बनने से पहले उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है जिसके अंदर वो ये बताता है कि साहब मैं क्वालिफाइड आदमी हूं, मैं डिसक्वालिफाइड नहीं हूं, आप मुझे बना लीजिए, कोई कानून ब्रेक नहीं हो रहा है, वॉयलेट नहीं हो रहा है, और वो डिक्लेरेशन दिया जाता है बच्चों DIR 8 के अंदर। किसमें दिया जाता है? DIR 8 के अंदर वो डिक्लेरेशन दिया जाता है। स्टूडेंट बोलता है सर मैं समझ गया आपकी बात को, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों अगर प्रॉब्लम है चैट बॉक्स पर पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, नेक्स्ट चल रहे हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन को समझाने से पहले आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाना है मुझको, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और लेंथी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुन लो इस, ठीक है। देखिए हर कंपनी को अपनी हर एनुअल जनरल मीटिंग में टोटल जितने रिटायरिंग डायरेक्टर्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूं टोटल जितने डायरेक्टर्स, वो नहीं बोल रहा हूं, टोटल जितने रिटायरिंग डायरेक्टर्स हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर कुछ ऐसे डायरेक्टर्स भी होते हैं जो रिटायर बाय रोटेशन नहीं होते, उनका टाइम फिक्स होता है, वो तभी जाते हैं, या उनको किसी ने और ने बाहर से अपॉइंट किया होता है कंपनी के अंदर, वो ही उसको रिमूव कर सकता है। मैं फिर बोल रहा हूं, हर कंपनी में, हर कंपनी की हर एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर
टोटल जितने रिटायरिंग डायरेक्टर्स होते हैं, टोटल जितने रिटायरिंग डायरेक्टर्स होते हैं उसका 2/3 एक एजीएम के अंदर रिटायर हो सकता है, ये मैक्सिमम लिमिट है, हो सकता है। लेकिन जो 2/3 निकल कर आया है उसका 1/3 एक्चुअली में रिटायर होता ही होता है। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, हर कंपनी के अंदर हर एनुअल जनरल मीटिंग में टोटल जितने रिटायरिंग डायरेक्टर्स हैं उनका 2/3 रिटायर हो सकता है, मैक्सिमम लिमिट है कि एक एनुअल जनरल मीटिंग में एक बार में कितने डायरेक्टर रिटायर हो सकते हैं, टोटल रिटायरिंग का 2/3 रिटायर हो सकता है। लेकिन कितने होंगे कंपलसरी है, मिनिमम इतने तो होंगे ही होंगे, 2/3 का 1/3 एक्चुअली में रिटायर होगा, 2/3 का 1/3 एक्चुअली में रिटायर होगा ही होगा, हर हालत में होगा। क्लियर है ये चीज? स्टूडेंट बोलता है मेरे को समझ में आ गई सर आपकी बात, मेरे को आपकी बात समझ में। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट अभी इतना सा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, लेकिन मैं उतने डिटेल में आपको नहीं जा सकता यहां पर समझाने के लिए, क्योंकि फिर तो वो कम से कम मेरे को 15-20 मिनट उसी में लग जाएंगे। क्वेश्चन समझ में आ जाए उतना अपन कर लें। स्टूडेंट बोलता है सर मैं इतना समझ गया, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने कहा बताओ क्या क्वेश्चन है। बोला सर देखिए क्वेश्चन मेरा ये है कि सर एयरटेल कंपनी है, उसके अंदर टोटल रिटायरिंग डायरेक्टर्स 11 है। कितने डायरेक्टर्स हैं टोटल? रिटायरिंग डायरेक्टर्स 11 है। क्लियर ये चीज? मैंने कहा ठीक है सर। सर अब बताइए कि कितने डायरेक्टर्स रिटायर हो सकते हैं? मैंने बोला टोटल जितने डायरेक्टर रिटायरिंग डायरेक्टर है उनका 2/3 रिटायर हो सकता है। बोला सर 2/3 तो निकल के आ रहा है 7.33। अब इस 7.33 कैसे करोगे, क्योंकि डायरेक्टर तो इंसान है। मैंने बोला बच्चे बड़े ध्यान से सुन लेना ये बात जो मैं बोलूं, कि जब भी आप 2/3 निकालोगे हमेशा अगर वो पॉइंट्स में फ्रैक्शन में आ रहा है तो हमेशा नेक्स्ट नंबर ले लोगे, दैट इज 8। फिक्स है, कोई दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लगाना ही नहीं है आपको, ये दिमाग ही नहीं लगाना पॉइंट के बाद 5 है कि उससे ज्यादा है कि कम। 2/3 निकाल रहे हो ना, अगर पॉइंट्स में आ रहा है फ्रैक्शन में आ रहा है नेक्स्ट नंबर लो, बात खत्म करो यहां पर। स्टूडेंट बोलता है ठीक साहब आप बोल रहे हो कि 8 डायरेक्टर मीटिंग में रिटायर हो सकते हैं 2/3 जो निकल के आया, लेकिन उसका 1/3 एक्चुअली में रिटायर होना जरूरी है। 1/3 निकल के आ रहा है 2.66, ये 1/3 है। जब 2/3 पॉइंट में आ रहा था तब आपने बोला नेक्स्ट ले लो, बात खत्म करो यहां पे। लेकिन जब 1/3 हम निकाल रहे हैं तो उसका फ्रैक्शन कैसे लेंगे, उसमें मैथ्स कैलकुलेट कर। बोल सर मैथ्स कैसे? अरे मैथ्स नहीं पढ़ी गया है? पॉइंट के बाद दशमलव के बाद अगर 5 या उससे ज्यादा आता है तो नेक्स्ट वाला ले लेंगे, अगर 5 से कम आता है तो पुराना वाला ले लेंगे। यहाँ पर 8 का 1/3 2.66 है, इसलिए 3 डायरेक्टर हो जाएंगे। बाई चांस सपोज कीजिए अगर ये 2.33 होता तो 2 डायरेक्टर हो जाते, मैथ्स वाला जो काम था हमारा। स्टूडेंट बोलता है सब बातें आपकी मुझे यहां पर समझ में आ गई। अब हम क्वेश्चन करते हैं, एनी फ्रैक्शन इन 2/3 विल बी राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट नंबर, और इसका एग्जाम्पल मैंने यहां पर ये बच्चे आपके लिए बनाया हुआ है। हालांकि इसमें पूरा कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेनेशन के अंदर पूरा कंसेप्ट दिया है मैंने आपको, क्योंकि जैसे मैंने बोला 2/3 रिटायर हो सकता है, 2/3 का 1/3 एक्चुअली में रिटायर होगा, फिर जब रिटायर हो जाएंगे तो उसी एजीएम के अंदर या तो उनको रीअपॉइंट करेंगे या किसी नए को अपॉइंट करेंगे या रेजोल्यूशन पास करेंगे, वैकेंसी फिल नहीं करनी। टोटल जो 11 डायरेक्टर जैसे एग्जांपल में मैंने बताए उनमें से 2/3 कौन होगा जो रिटायर हो सकता है, 2/3 का 1/3 कौन होगा जिसको रिटायर करते हैं, वो फीफो मेथड पे निकलता है, जो पहले आया वो पहले जाएगा। अगर कुछ लोग सेम डे पर आए थे तो क्या होगा, तो कोई कुर्बानी दे दे, वो बोले कि मैं छोड़ के जा रहा हूं तो ठीक है, नहीं तो वो लॉट सिस्टम, सब लोग चिट्ठियां लिख लिख के एक बॉक्स में डालेंगे, उसमें से निकाला जाएगा, जिसका नाम आ गया वो रिटायर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहां पर, मैं इसका भी एग्जाम्पल यहां पे लिखा हुआ है,
बट हमारा जो क्वेश्चन है वो है टू थर्ड वाला, उसमें नेक्स्ट नंबर वो समझ में आना चाहिए। सभी बच्चे आगे चलते हैं, हम डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। पर्सन अदर, हाँ अब एक बात बताओ मुझे, मैंने आपको बोला अभी अभी मैंने आपको समझाया कि हर एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर टोटल जितने रिटायरिंग हैं उनका टू थर्ड रिटायर होगा, हो सकता है, और टू थर्ड का वन थर्ड तो एक्चुअली में रिटायर होगा ही होगा, ये कंपलसरी। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई आपके? टू थर्ड रिटायर हो सकता है लेकिन टू थर्ड का वन थर्ड एक्चुअली में रिटायर होगा ही होगा, ये कंपलसरी है। अब बच्चे रिटायर तो हो गया, चलो रिटायर तो हो गया, उसकी वजह से वैकेंसी हुई कि नहीं हुई? हाँ सर, वैकेंसी तो हुई। अब वो वैकेंसी फिल भी करी जाए कैसे? सर कंपनी अगर चाहे तो जिसको रिटायर किया है उसे रीअपॉइंट कर सकती है, और अगर कंपनी चाहे तो किसी नए बंदे को भी अपॉइंट कर सकती है। ठीक है यहां तक? अब आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने क्लास के अंदर ये एग्जांपल समझाया है, मैं दोबारा समझा रहा हूं यहां पर, देख बड़े ध्यान से देखना। एक कंपनी है उसका नाम है भूल भुलैया कंपनी लिमिटेड, उसके अंदर एक डायरेक्टर है जिसका नाम है अक्षय कुमार। कौन है ये? इस कंपनी का डायरेक्टर है। ये कंपनी एक एनुअल जनरल मीटिंग कर रही है जिसके अंदर ये इस डायरेक्टर को रिटायर कर देगी। ये बात एक आदमी को पता चली जिसका नाम है कार्तिक आर्यन, वो बोला कि साहब मैं बनूंगा इसका डायरेक्टर। अब वो गया कंपनी के पास, कंपनी से जाकर बोला कि मुझे पता लगा है आप एक एजीएम कर रहे हो, उसमें जो डायरेक्टर अक्षय कुमार है उसे रिटायर कर रहे हो, जब वो रिटायर हो जाएगा रिटायर बाय रोटेशन तो वैकेंसी तो फिल करनी है, आप मुझे अपॉइंट कर लो, मैं क्वालिफाइड आदमी हूं, अपना कैंडिडेचर देकर आ गया, सब कुछ देकर आ गया। कितने दिन पहले देकर आ गया? एनुअल जनरल मीटिंग के कम से कम 14 डेज पहले, कम से कम 14 डेज पहले, ये जरूरी है, कम से कम 14 डेज पहले देकर आ गया अपना कैंडिडेचर, अपना इंटेंशन। क्या सर वो खुद देकर आएगा? अगर मान लीजिए कंपनी का कोई मेंबर है, उसे ऐसा लगता है कि ये रिटायर हो रहा है, इसकी जगह मैं फलाने को रिकमेंड कर दूं, मैं गोविंदा को रिकमेंड कर दूं, हाँ मेंबर भी रिकमेंड कर सकता है, या फिर जो बंदा खुद चाहता है वो खुद भी आ सकता है कंपनी के पास। दोनों ही केसेस में मीटिंग के कम से कम 14 डेज पहले कंपनी को ये नोटिस देना है कि मैं अपॉइंट होना चाहता हूं, प्लस साथ में अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है 1 लाख रुपीस। स्टूडेंट बोलता है ठीक है, फिर क्या होता है? फिर एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर्स के सामने ये प्रपोजल प्लेस होता है कि इस कार्तिक आर्यन को अपॉइंट करें कि नहीं करें, और वोटिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर वोटिंग में ये जीत गया तो इसको इसका पैसा रिफंड हो जाएगा। सर अगर हार गया तो? अगर ये हार गया लेकिन इसके फेवर में मोर देन 25% वोट्स आए थे, हार भले ही गया, हार गया नहीं बन रहा है डायरेक्ट, लेकिन इसके फेवर में वोट्स तो आए थे, उतने नहीं आए कि ये जिता पाए इसको, लेकिन आए थे कितने? मोर देन 25%। तो ये डायरेक्टर तो नहीं बन पाएगा क्योंकि ये हार गया वोटिंग में। हाँ इसको इसका पैसा रिफंड कर देंगे। मतलब पैसा रिफंड कब हो रहा है? जब या तो ये जीत गया डायरेक्टर बन गया, या फिर ये हार गया लेकिन फेवर में वोट्स मोर देन 25% आए थे। सर अगर इस ये हार गया और इसके फेवर में वोट्स 25% या उससे कम आए थे, 25 से ज्यादा नहीं आए थे, .25 आए थे, तो पैसा रिफंड नहीं होगा, 25 से कम आए थे तो भी नहीं है, मोर देन 25 आए थे तो रिफंड होगा। स्टूडेंट बोलता है अब समझ गया सर, मैं पूरी कहानी समझ गया यहां पे। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर, तो मतलब कार्तिक आर्यन, क्योंकि रिटायरिंग डायरेक्टर तो अक्षय कुमार है, अगर वो चाहता है कंपनी में अपॉइंट होना एज डायरेक्टर तो इसको कितना रुपया देना पड़ता है? साहब 1 लाख देना पड़ता है डिपॉजिट के तौर पे, और वो उसको रिफंड हो जाता है कब? जब वो जीत जाता है या फिर उसके फेवर में 25% से ज्यादा वोट आते हैं। हमारा आंसर डी है। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं हम लोग अपने 11th क्वेश्चन पर। अब 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। बच्चों ये क्वेश्चन करवाने के लिए एक बहुत बड़ी कहानी सुनानी है आपको, मुझे लंबी कहानी है, वो ध्यान से सुनिएगा। दो दोस्तों की कहानी है, ठीक साहब, दोस्त हैं या एक दूसरे को जानने वाले लोग हैं, उनकी कहानी है, पढ़ लेते हैं जल्दी से। एक का नाम है दया, जानते होंगे आप, और एक का, इसका नाम क्या है, दया, और इनका नाम क्या है, इनका नाम है माधवी। स्पेलिंग गलत हो सकती है शायद, देख लें। इनकी आपस की कुछ बातचीत हो रही है, इनके आपस की बातचीत को सुनते हैं, एक कंसेप्ट समझ में आएगा, क्वेश्चन पर दोबारा आ जाते हैं। एक मोहित बंसल क्लासेस नाम की कंपनी है, दया और माधवी ये दोनों जो हैं वो उस कंपनी की स्मॉल शेयर होल्डर हैं। स्मॉल शेयर होल्डर हैं इसका मतलब क्या है, इन्होंने 20,000 रुपए तक, मेरे शब्द को बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं 20,000 शेयर्स नहीं बोल रहा हूं, मैं क्वांटिटी नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इन्होंने और इन्होंने दोनों ने अपना अलग अलग 20,000 रुपए तक या उससे कम के शेयर्स होल्ड करे हैं, नॉट मोर देन ₹20,000, 20,000 से ज्यादा के शेयर्स होल्ड नहीं करे। और जो बंदा कंपनी के अंदर 20,000 रुपए तक या उससे कम के शेयर होल्ड करता है उसको स्मॉल शेयर होल्डर, छोटा मोटा सा शेयर होल्डर बोला जाता है। 20,000 रुपए से ज्यादा के शेयर्स अगर होल्ड करता है तो फिर वो बड़ा शेयर होल्डर बन जाता है। इन दोनों ने 20,000 रुपए तक या उससे कम के शेयर होल्ड करें, ये स्मॉल है, छोटे मोटे से। अब ये आपस में बात कर रहे हैं तो दया जो है वो माधवी जी से बोली, बोला माधवी जी आपने कभी देखा, सोचा, आपको कभी ऐसा फील हुआ कि यार हम जो स्मॉल शेयर होल्डर है, छोटे मोटे शेयर होल्डर है, ज्यादा कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ, कंपनी के अंदर 20,000 रुपए या उससे कम का इन्वेस्टमेंट हमने किया है, हमारी कोई बात ही नहीं सुनता, कंपनी के अंदर जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमेशा मेजोरिटी शेयर होल्डर्स का फायदा देखते हैं और उनके हिसाब से डिसीजन ले लेते हैं, हमारा तो कभी कोई सोचता ही नहीं है, जब भी कंपनी में कोई डिसीजन लिया जाता है तो जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये डिसीजन लेते हैं वो सिर्फ बड़े बड़े शेयर होल्डर्स का फायदा देखते हैं, उनको कोई नुकसान ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए, हमारे बारे में तो कोई नहीं सोचता क्योंकि हम तो छोटे मोटे से शेयर होल्डर हैं। माधवी जी बोली, बोला हाँ दया जी आपकी बात सही है, हम छोटे मोटे शेयर होल्डर हैं, हमारे बारे में कोई नहीं सोचता, अगर अगर ऐसा कोई बंदा हो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर बैठे और वो हम में से एक हो, मतलब वो खुद स्मॉल शेयर होल्डर हो, मतलब वो खुद 20,000 रुपए तक या उससे कम के शेयर्स होल्ड करता हो और वो बंदा वन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो कंपनी का, मतलब जब भी कंपनी के अंदर स्मॉल शेयर होल्डर से रिलेटेड कोई भी मुद्दा उठे तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में बैठा हो, हमारी आवाज को वहां पर लेकर जाए, हमारे फायदे की बात करे, ऐसा होना चाहिए, तब जाकर हमारी स्मॉल शेयर होल्डर की बात सुनी जा सकती है, अदरवाइज तो हम छोटे मोटे शेयर होल्डर है, हमें कौन पूछने वाला है। दया बहन बोली, दया जी बोली, बोला माधवी जी आपकी बात सही है, और देखो कानून भी क्या बोलता है, कानून भी बोलता है, कंपनी लॉ भी बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी के अंदर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, अपनी कंपनी लिस्टेड है तो एक काम करते हैं, देखो कानून दो बात बोलता है, एक तो सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, अपनी है, दूसरा कंपनी खुद स्यू मोटो अपनी मर्जी से चाहे तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है, नहीं तो हम लोग खुद भी नोटिस लगा सकते हैं, तो एक काम करते हैं हम कंपनी की मीटिंग के कम से कम 14 दिन पहले 14 डेज पहले कंपनी को नोटिस लगाकर बोल देते हैं कि साहब हमें तो कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर चाहिए। अभी तक ये बातें हुई इन दोनों के बीच में, दया ने एक प्रपोजल दिया है कि ऐसा करते हैं हम जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं वो अपनी लिस्टेड कंपनी को मीटिंग के कम से कम 14 डेज पहले नोटिस लगाकर बोलते हैं कि साहब स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाओ हमारे बीच का, जैसे इलेक्शन में होता है ना कि दलित वर्ग से भी एक उठेगा, है ना, वो ये वही वाला सीन है कुछ।
माधवी जी बोली, बोला दयाबेन आपकी बात सही है कि हमारी कंपनी लिस्टेड है, हमारी कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, जो खुद स्मॉल शेयर होल्डर होना चाहिए उसके लिए हम एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन कंपनी लॉ तो यह बोलता है कि एप्लीकेशन कितने लोग लगाएंगे, या तो 1000 स्मॉल शेयर होल्डर या फिर कंपनी में जितने टोटल स्मॉल शेयर होल्डर है उनका 10%, विच एवर इज लोअर। अब देखो कंपनी लॉ बोलता है कि 1000 स्मॉल शेयर होल्डर या फिर टोटल जितने स्मॉल शेयर होल्डर है कंपनी में, हमारी कंपनी में ये देखो 5000 स्मॉल शेयर होल्डर है, उसका 10% 500, विच एवर इज लोअर, 1000 या 500 में से 500, मतलब अगर 500 स्मॉल शेयर होल्डर्स कंपनी को एप्लीकेशन लगाते हैं, नोटिस लगाते हैं मीटिंग के 14 डेज पहले, तो कंपनी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करेगी। तो दयाबेन बोली हाँ ठीक है ना, हमारी कंपनी में वैसे तो 1000 या फिर टोटल जितने उसका 10%, हमारे में 5000 है उसका 10% 500, विच एवर इज लोअर 500 स्मॉल शेयर होल्डर एप्लीकेशन लगा देंगे। तो माधवी जी बोली हाँ ये ठीक है, आपने सही बताया है कि सिर्फ लिस्टेड कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, वो खुद स्मॉल शेयर होल्डर होना जरूरी है, उसके लिए कंपनी चाहे तो खुद से स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है या कंपनी के स्मॉल शेयर होल्डर एप्लीकेशन लगा सकते हैं। कितने लगाएंगे, टोटल 1000 स्मॉल शेयर होल्डर या फिर टोटल जितने स्मॉल शेयर होल्डर है उनका 10%, इनमें से जो भी कमाए वो लगा देगा। ठीक है। तो माधवी जी बोली, बोला ठीक है हम 500 लोगों से लगवा देते हैं एप्लीकेशन, और जो पोपट लाल जी है ना उनको हम अपॉइंट कर लेंगे अपना स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। दयाबेन बोली, बोला नहीं, पोपट लाल जी को हम अपना स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं बना सकते। बोल क्यों नहीं बना सकते? बोला वो इसलिए क्योंकि जो भी बंदा कंपनी के अंदर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनेगा जरूरी है कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाली सभी क्वालिफिकेशंस को पजेस करता हो। जो भी बंदा कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनेगा वो उतना क्वालिफाइड होना चाहिए कि वो कंपनी में इंडिपेंडेंट भी बन सकता है, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की सभी क्वालिफिकेशन पजेस करता हो। पोपट लाल साहब कहां करते, वो नहीं बन पाएंगे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। तो माधवी जी बोली, बोला गोली मारो पोपट लाल को, जेठालाल जी को अपॉइंट कर लेते हैं स्मॉल शेयर होल्डर। दयाबेन बोली, बोला जेठालाल जी को भी अपॉइंट नहीं कर सकते। बोल साहब अब उनको क्यों अपॉइंट नहीं कर सकते, जेठालाल में क्या दिक्कत है? बोला जेठालाल जो है वो ऑलरेडी 2 कंपनीज के अंदर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है, और एक बंदा एक टाइम पर मैक्सिमम 2 कंपनियों में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हो सकता है, जेठालाल ऑलरेडी है। पोपट लाल को आप इसलिए अपॉइंट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाली क्वालिफिकेशन पजेस नहीं करता, जेठालाल को इसलिए अपॉइंट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वो ऑलरेडी 2 कंपनीज के अंदर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है, और एक बंदा एक वक्त पे 2 से ज्यादा में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हो नहीं सकता। तो माधवी जी बोली, बोला गोली मारो पोपट लाल और जेठालाल को, हम तो हाथी भाई को अपॉइंट कर लेते हैं क्योंकि मुझको पता है जो हाथी भाई है ना वो सिर्फ एक ही कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है। दयाबेन बोली उनको भी नहीं कर सकते। बोला यार उसको क्यों नहीं कर सकते, वो तो सिर्फ एक ही कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है। बोला बात सही है आपकी, वो सिर्फ एक ही कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है, लेकिन दिक्कत ये है वो जिस कंपनी के अंदर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है उसका जो बिजनेस है, हमारी कंपनी का जो बिजनेस है वो सेम है, एक दूसरे की राइवल हो जाएंगी वो कंपनीज, और लॉ बोलता है कि एक बंदा एक टाइम पर 2 कंपनियों में हो सकता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, बट वो दोनों कंपनियां सेम बिजनेस ना करती हैं। हाथी भाई ऑलरेडी एक एजुकेशन सर्विस कंपनी के अंदर डायरेक्टर है स्मॉल शेयर होल्डर, अब वो हमारी कंपनी में बन जाएंगे, हमारी कंपनी भी एजुकेशन की सर्विस देती है। तो माधवी के अभी तक ये समझ में आया कि सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है और कंपनी खुद चाहे तो कर सकती है, अगर मेंबर्स चाहे स्मॉल शेयर होल्डर चाहे एप्लीकेशन लगा सकते हैं, कम से कम 1000 स्मॉल शेयर होल्डर या टोटल जितने हैं उनका 10% विच एवर इज लोअर, जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होगा वो इंडिपेंडेंट की कंडीशन को फुलफिल करेगा, वो बंदा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता है एक वक्त पे जो मैक्सिमम 2 कंपनियों में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर उससे ज्यादा में नहीं हो, और दूसरी बात वो जिन 2 के अंदर है वो राइवल बिजनेस में ना हो। तो फिर माधवी जी बोली, बोला एक काम करो, अब तो रजनीकांत बचा है, रजनीकांत को बुला लेते,
और उसी को ही हमारी कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर लेते और जिंदगी भर उसी को रखेंगे। दया बोली, बोला हाँ ये ठीक है, रजनीकांत को बुला लेते हैं, उनको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर लेते हैं, लेकिन जिंदगी भर नहीं रख पाएंगे, सिर्फ उनको 3 साल अपॉइंट करके रख पाएंगे, फिर वो दोबारा रीअपॉइंट नहीं हो सकते हमारी कंपनी में एज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। बोले कब तक नहीं हो सकते? बोला लाइफ टाइम। अगर कोई पर्सन एक कंपनी में एक बार स्मॉल शेयर होल्डर बन गया, वो 3 साल तक के लिए अपॉइंट होगा, रीअपॉइंट नहीं होगा, लाइफ टाइम रीअपॉइंट नहीं होगा सेम कंपनी। तो यहां तक माधवी के बात पूरी दिमाग में घुस गई। और अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे जल्दी से। देखो, अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर फॉर, कितने टाइम के लिए अपॉइंट होता है? 3 साल के लिए, एंड विल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट इन द सेम कंपनी फॉर लाइफ टाइम। ये हो गया आपका आंसर सी।